बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित होने के चलते कंगना बेहद खुश है। राष्ट्रपति भवन में उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया। इसी बीच उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो सम्मान को लेकर काफी खुशी जाहिर करती नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। इस वीडियो में कंगना कह रही हैं कि दोस्तों, एक कलाकार के नाते मुझे बहुत प्यार सम्मान मिला है, लेकिन आज पहली बार जिंदगी में मुझे एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है। पद्मश्री इस देश से, इस सरकार से, और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो छोटी उम्र में तो मुझे सफलता नहीं मिली। कंगना ने आगे कहा कि 8-10 सालों बाद मुझे सफलता मिली। वहीं इसी के साथ आप वीडियो में साफ सुन सकते हैं कि कंगना रनौत ने आगे क्या कहा। दोस्तों, एक कलाकार के नाते मुझे बहुत ज्यादा सम्मान, प्यार, अक्नॉलेजमेंट, पुरस्कार बहुत मिले हैं, लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से, और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में, तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली, तो मैंने उस सफलता का मजा ना लेते हुए जिन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया, बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज़्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज़्यादा जागरूकता आई देश को लेकर, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और ना जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं, और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो बहुत दिल से मैं इस देश का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।